एक ऐसा सिस्टम तारीफ करवा दिया है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये एटीएम मिल्क है, खालिस दूध, एक कतरा पानी की मिलावट उसमें नहीं होगी। और ये खुदकार मशीन जो है किस तरीके से दूध निकालेगी, आप किस तरीके से इसमें पैसे इंसर्ट करेंगे, ये तमाम मालूमात हमारे दरमियान मौजूद हैं मैनेजर हैं प्लानिंग के जनाब मोहम्मद इमरान फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें खिजराबाद फार्म से अर्ली मॉर्निंग में जो है इंशाल्लाह मिल्क आएगा पैस्चराइज्ड होके, और फिर इसकी पीछे जो है कैपेसिटी है 500 लीटर की, जिसके अंदर आके इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद से ये फोर सेंटी डिग्री पर रखेगा इसको मेंटेन, और उसके बाद हमारा जो है इधर काउंटर पर कैशियर होगा जो आपसे 75 रुपीज़ लेके पर लीटर के हिसाब से देगा। ये किस तरीके से फीड करेगा, ये टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने के लिए हमारे दरमियान इमरान भाई मौजूद होंगे। इमरान साहब बताइएगा, तो उसके लिए आप कितने लीटर दूध चाहते हैं, उसकी कितनी प्राइस होगी या उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो उसको किस तरीके से मेंशन करेंगे इमरान साहब हमें बताएंगे। इमरान साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये टच स्क्रीन सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है। इसको यहाँ से क्रॉस किया जाएगा। आपके पास तीन ऑप्शन होंगी, प्लांट स्टार्ट की, फिलिंग की, और एक है CIP। ये CIP क्या है? CIP है जी, जो इसको क्लीनिंग प्रोसेस इसका जो होता है ऑटोमेटिकली वो होगा। आप फिलिंग की जब उसमें जाएंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप लीटर्स में और रुपीस में। आप जब भी जितना भी मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2 लीटर लेना है तो आप यहाँ से तो सेट करके 2 एंटर कर देंगे, और उसके बाद आप लीटर्स को ग्रीन होगा एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपकी यहाँ डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी डिस्पेंसिंग स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लीटर यहाँ से दूध लेना है तो 2 लीटर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, दूध यहाँ से आएगा, और ये आपको दरवाजा भी दिखाया जा सकता है। इनिशियली जो है इसमें इनकी तरफ से कोई आपको पाउच दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर डैट जो पास्टराइज मिल्क है वो आपको ऑटोमेटिकली पाउच में, एक सील पाउच में मिल जाएगा। जब ये पीछे से इसका दरवाजा खुलेगा, और ये टैंकी आप देख सकते हैं 500 लीटर इसके अंदर जो है वो दूध आ सकता है। और इसकी अफादियत क्या है जी? ये स्टेनलेस स्टील की फूड ग्रेड एक टैंक है जो हाईली क्लीनेबल है, और इसमें टेम्परेचर, इस पूरे एरिया में टेम्परेचर 4 डिग्री पे रहेगा, जिससे ये दूध जो है 24 घंटे तक 4 डिग्री आसानी से वो मेंटेन करेगा। तो ये दूध रोजाना रिफिल किया जाएगा इसके अंदर डेली बेस पर, तो शहरियों को ये मुश्किल तो नहीं पेश आएगी कि आज दूध नहीं है? नहीं, यहाँ पर इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं होगा, और ना इसमें कोई एडल्ट्रेशन हो सकेगी, बिकॉज इसके ऊपर यहाँ देखें तो ये लॉक लगा हुआ है। जब मिल्क एक दफा सुबह आ जाएगा इसके बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा, और अगर कोई इसको एडल्ट्रेशन, अगर कोई पानी मिलाना चाहेगा तो मिला नहीं सकेगा। अगर इसको कोई खोलता है तो फौरन एक तो सिस्टम बंद हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली सिस्टम बंद हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि हमारे मोबाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑफिसर्स जो है उनके मोबाइल पर ये अलार्मिंग होगी कि भाई इसके गेट को कोई खोल रहा है। क्लीनिंग जो है वो बहुत अहम मरहला है। इंटरव्यू देने से पहले मुझे इमरान साहब बता रहे थे कि इन्होंने यहाँ पर खुद कार सिस्टम, एक टेम्परेचर सिस्टम, स्टीम टेम्परेचर सिस्टम जो है वो लगाया है कि जब यहां से दूध निकल आएगा तो कुछ कतरे जो हैं वो दूध के इसके साथ लग जाएंगे, जिससे बैक्टीरिया के पैदा होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो वो स्टीमिंग के जरिए से उस दूध को जी, जब एक दफा आप इस डोर को बंद करेंगे तो यहां से एक स्टीम डिस्पेंस होगी और ये पूरा एरिया स्टेराइज हो जाएगा, जिससे ये पूरा बैक्टीरिया फ्री एरिया हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, टैंक में अगर इसका लेवल जो है, 3 लेवल्स हमने रखे हुए हैं, जो एक लोएस्ट लेवल होगा उसका भी एक अलार्म जाएगा ताकि ये तमाम जो हजरात हैं उनको पता चल सके और वो इसके लेवल को दोबारा से फिल कर सकें। क्योंकि ये वो चीज है जो फार्मर को, एक आम फार्मर को मार्केट तक रसाई देता है। हमारे यहाँ पे एक आम फार्मर के लिए दूध को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, जो शहर से जरा दूर होता है, और उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो बहुत छोटे वॉल्यूम पे उसको मार्केट में ला सके। लाइक एक फार्मर है जिसके पास 400-500 लीटर दूध है, वो 2 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर हम उसको चिल्ड फॉर्म में रखते हैं और इस किस्म के डिस्पेंसर्स हम प्रमोट कर सकें तो ये फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो डायरेक्ट मार्केट तक अपनी प्रोडक्ट को ला सकेंगे और एक अच्छी अमाउंट, उन्हें बेहतर अमाउंट मिल सकेगी और कंज्यूमर को बेहतर दूध मुहैया हो सकेगा। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं
ایک اور دروازہ لگا ہے جس میں انہوں نے مختلف ٹربائنز یا چھوٹی موٹرز جو ہیں لگا رکھی ہیں، خود کار سسٹم ہے اور میٹرز لگے ہوئے ہیں جو مینولی آٹومیٹیکلی جو سسٹم پروگرام اس کو دیا گیا ہے اس کے مطابق یہاں سے دودھ شہری لے سکیں گے۔